समीक्षा ने अपना सिर फोड़वा लिया है और इस टेबल में गिर के। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं गांव में अपने खेत में धान वगैरह कटवाने के लिए, और हमारे ट्रैक्टर जो हैं आके खड़े हो गए हैं। अभी हार्वेस्टर आ नहीं पाया है क्योंकि उसमें डीजल नहीं था, वो डीजल वगैरह लेने गया ड्राइवर उसका। लगभग 10 से 15 मिनट बाद शायद हार्वेस्टर भी आ जाए। तो ये हार्वेस्टर वाले भैया आ चुके हैं। इन्होंने 9 बजे का समय दिया था और लगभग 11 बजने को है अभी। लगभग 2 घंटे लेट आए हैं ये। और यहाँ से ये जो लीक बनी हुई है, यहाँ से हार्वेस्टर अंदर जाएगा। लल्ला टाली के ऊपर छिड़के धान बराबर कर रहा है, जिससे धान नीचे न गिरे, टाली के अंदर ही रहे। तो लगभग 6 बंधियां जो हैं वो कट चुकी हैं। इसमें 12 पार्ट्स हैं, खेत को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 6 भी कट गए हैं। 2 टाली धान निकली है इसमें, अभी दूसरी टाली लेके जा रहे हैं, वहाँ खड़ी हुई है। और इसके बाद फिर से टाली आ गई है, वो खाली करके अब इसके बाद माल उसमें डालेंगे। अब जब इसकी टंकी भरेगी, इसके बाद ले जाएंगे घर में उसको गिराने के लिए राहा में। तो दोस्तों, क्या है, जब अपन कटिंग करवाते हैं हार्वेस्टर में, तो जो किनारे किनारे की यहाँ बालियाँ रहती हैं, ये देखिए, वो छूट जाती हैं, मतलब हार्वेस्टर में आ नहीं पाती हैं। लगभग 1 कुंटल के लगभग 1 एकड़ में वो, मतलब अपना माल जो है कम हो जाता है। अभी एक यहाँ से हाई एक्सटेंशन कार भी गई है 11,000 की, ये देखिए। अभी तो ये बहुत नीचे थी, इसको अपन ने पिछले साल ऊपर करवाया था, क्योंकि ये हार्वेस्टर वगैरह में कटिंग करते नहीं बनता था गेहूं वगैरह की। तो दोस्तों, हमारी पूरी धान कट के घर में आ गई है। लगभग 2.5 एकड़ खेत था ये वाला, जिसमें 5 टाली धान निकली है। तभी इसे सुखाने के लिए डाला जाएगा, और जब ये सूख जाएगी इसको बोरी में भर के मंडी भेज देंगे। तो समीक्षा ने अपना सिर फोड़वा लिया है और इस टेबल में गिर के, क्योंकि ये शांत बैठती नहीं एक मिनट भी, इसीलिए ना सिर फूटा तुम्हारा, सिर फूट गया ना, कहाँ लगा है आज, यहाँ लगा है, कौन मारा है, कौन मारा है ये बताओ, पिट्टी कौन किया, वैसे मारा है, पिट्टी हुई है, किसने मारा है तुम्हें, आए कौन पिट्टी किया है, कुछ साल पहले।